ये प्लान काम करे उसके लिए सबसे जरूरी बात ये है कि तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो और सेफ हो। क्या तुम इस राज को राज रख पाओगे? ओके, फैंटास्टिक। चलो फिर चले, लेट्स गो। एक मिनट, क्या हुआ? मेरी किडनैपिंग की बात से मम्मी रोएगी तो नहीं ना? क्योंकि मैं मम्मी को रोता हुआ नहीं देख सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो अब ये सब सुनकर मम्मी थोड़ा सा तो रोएंगी ना, लेकिन हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमें ऐसा लगा कि मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो गई हैं या बहुत ज्यादा रो रही हैं, तो हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। प्रॉमिस? तुम खुद बता देना। ये चलो फटाफट जूते पहनो, बैग लो और चलो लेट्स गो। बैग हमने ले लिया, सारी बुक्स, होमवर्क सब कुछ है इसमें? हाँ। ओके चलो लेट्स गो लेट्स गो। आज इस शहर के बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही सवाल है, लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और वो सवाल है कि ये इलेक्शन जीतेगा कौन? जज्बातों की देवी एसएचओ हसीना मलिक या फिर भौकाल क्वीन एसआई करिश्मा सिंह? तो आइए पूछते हैं हमारे शहर की जनता से कि उन्हें क्या लगता है ये इलेक्शन कौन जीतने वाला है। आप बताइए। जज्बातों की देवी हसीना मलिक। वेरी गुड। भोकाल क्वीन करिश्मा सिंह। ओके। अरे समझ गया। ओके। तो जैसा कि आपने देखा शहर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये इलेक्शन कौन जीतने वाला है, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं दूंगा आपको सारी अपडेट। ताजा खबरों का एक ही अड्डा, मैं हूँ आपका अपना सनी चड्डा। संतु जी, कल जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए बड़ा शर्मिंदा है, लेकिन इसे आप चिंता मत कीजिए, हमने बुआ को सब कुछ बता दिए कि देखिए सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था सब एक नाटक था, आपका कोई शादी वादी नहीं हुआ है, आपका पति होती नहीं है, ये सब कुछ हम बुआ को बड़ा इत्मीनान से बता दिए। बुआ को बता दिया, इधर सब कुछ बता दिया। वाओ ग्रेट, अभी हमारा पति पत्नी का नाटक खत्म। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये बुआ है कि चली गई? कहाँ, पूरा सारा किस्सा सुनने के बाद वो अपना बोरिया बिस्तर पैक की और सीधा गाँव चली गई। संतु जी अब ना मतलब ऐसे बुआ तो चली गई हैं, तो घर में मतलब ऐसे हम अकेले ही रहते हैं, तो अब जब भी आपका मन करे ना आप आ जाइएगा। नहीं, अब मैं वहाँ कभी नहीं आऊँ। काहे? हमारे लाला के तो भागी फूट गए। पुष्पा जी। माँ क्या हुआ? माँ पता है तुमको क्या हुआ? करिश्मा मैडम का अफेयर चल रहा है। आपको पता भी आप किसके बारे में क्या बोल रही हैं? हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, हमारी डायन बहू जो है ना हमारे लल्ला को धोखा दे रही है, उसके साथ विश्वासघात कर रही है। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भागी फूट गए, अब क्या बताएं? पुष्पा जी एक मिनट, आपको पूरा यकीन है कि जिस लड़की को आप देखे वो करिश्मा मैडम ही थी? वही थी। कितनी बार कहे हम वही थी वो। अरे उनको तो हम लाखों की भीड़ में पहचान सकते हैं, वही बाइक, वही नंबर, वही वर्दी, सब कुछ वही, मगर हमारी बहू की जगह वो डायन थी किसी गैर आदमी के साथ। कैसे करके हंस रही थी। कैसे हंस रही थी? करके हंस रही थी उस गैर आदमी के साथ वो डायन। हे भगवान, हे शिव जी, ये क्या देख लिया हमने, ये क्या देख लिया? ये सब देखने से पहले हमारी आंखें फूट क्यों नहीं गई? माँ को मैं सच बता देता हूँ कि करिश्मा मैडम ने केस सॉल्व करने के लिए ललित के साथ मिलकर नाटक किया था। तुमको ढिंडोरा पीटने का जरूरत नहीं है इस बात का कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, समझे तुम? ये बात अगर थाने में किसी के भी कान पे पड़ी तो तुम्हारे दोनों कान काट दिए जाएंगे। करे कुछ सोच रहा है का? माँ का दुख देखा नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। जयन मैडम सर। क्या हुआ, आप लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? पुष्पा जी को ऐसा लग रहा है कि करिश्मा मैडम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्या? लग नहीं रहा है, चक्कर चल रहा है। चक्कर? वो चक्कर आते हैं ना। हाँ वो चक्कर। क्या किसके साथ चल रहा है? इसके साथ। हाँ, इसके पापा के साथ। पापा को चक्कर आ रहे? थैंक यू। पुष्पा जी ये क्या कह रही हैं आप? ललित जी के साथ करिश्मा सिंह का चक्कर कैसे चल सकता है? करिश्मा सिंह तो ललित जी को ठीक से जानती भी नहीं है, चक्कर कैसे चलाएंगी? हमें हमें लगता है कि करिश्मा सिंह जानबूझकर नाटक कर रही हैं ताकि वो ललित जी की पत्नी को जला सके। इसका मतलब वो भी ये केस सॉल्व कर रही हैं। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने मतलब चीते जरा यहाँ आइए, ये पेली है, भरपूर पेली है इसको। ये बात तुमको पहले से पता थी? हाँ माँ। तो बताए क्यों नहीं? किसने पूछा ही नहीं। और मैंने करिश्मा मैडम को वादा किया है कि किसी को बताऊंगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा हाँ, हाँ। अब ना तुम किसी को कुछ बताने के लायक बचोगे भी नहीं। हमें नहीं बताया। ये तो और भी सीरियस प्रॉब्लम है। हम और करिश्मा सिंह दोनों इस केस को सॉल्व कर रहे हैं। करिश्मा सिंह को पता चलेगा तो उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरेगी। आ गया मैडम। नहीं बिल्कुल नहीं। मैडम नहीं उठाएंगे तो नाराज हो जाएगी और सच में छोड़ के चलेगी तो। अरे नहीं जाएगी छोड़कर भैया, कितनी बार बताए तुमको। और ये बात हम इतने विश्वास के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम भी किसी का वाइफ है। मैडम प्लीज ये लाइन मत बोलिए, यही लाइन सुन सुन के तो हमारी लंका लगी है। हम उठा ही लेते हैं। नहीं बिल्कुल खबरदार, अगर फोन उठाया तो बता रहे हम तुमको। हम वो खुद आएंगी तुमसे मिलने। कब आएगी? अब ये कहाँ है? आ गई। खुश। ये अपना ही केवन समझिए, आराम से बैठिए। आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। हाँ बस बैठिए ना। हाँ राधा रानी तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? ये यहाँ कैसे? हाँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। हाँ और तुम इस पुलिस वाले के साथ मुझे चीट कर रहे हो। अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो राधा रानी। नहीं क्या क्या उल्लू हो क्या आप? हाँ क्या गलत समझ रहे हैं? जो हमारे बीच में चल रहा है वो उनको बता दो ना। क्या बताएं? मतलब ये नहीं बता पा रहे हैं, ये खुद नहीं बता पा रहे हैं, ये चाहते कि हम तुमको बता दें। ये है कि तुमने इनका जो जिंदगी है ना वो जहन्नुम कर दिया है। ये तुमसे परेशान हो गए हैं तो इन्होंने तुमको छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? क्या ये सच कह रही है? मुझे छोड़ रहे हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? एक मिनट काहे नहीं छोड़ सकते भैया? तुमको उनसे ना प्यार है ना लगाव है, तुम्हें उनकी बिल्कुल परवाह भी नहीं है, तो फिर काहे बचा क्या तुम्हारे रिश्ते में जो उनको बांध के रखेगा? नहीं मतलब पति का वैल्यू, पति की इज्जत, पति की जगह सिर्फ इसी बात से होती है कि वो कितना कमाता है। इस बात से नहीं होता है कि उसका अपनी पत्नी के लिए कितना प्रेम है, कितना लगाव है, या अपने परिवार के लिए क्या आस्था है। ये बातें कोई मायने नहीं रखती है क्या? हमारे लिए रखती है। हमको इनकी आर्थिक स्थिति से कोई दिक्कत नहीं है, वो हम साथ में मिलकर कमा लेंगे, लेकिन इनके मन में जो प्यार है ना हमारे लिए वो मायने रखता है। इसलिए ये तुमको छोड़ रहे हैं और छोड़कर हम दोनों जा रहे हैं। राधा रानी! भैया क्या राधा रानी? कहाँ जा रहे हो? वो राधा रानी आएंगी वापस, भरोसा रखो तुम। और इस बार तुमको कभी ना छोड़कर जाने के लिए आएंगी, समझो। संतु जी आप बता ही नहीं। संतु जी क्या यही कि अब आप हमारे घर पर आकर क्यों नहीं रहना चाह रही हैं? नहीं अब तो घर पर कोई है भी नहीं, बुआ चली गई एकदम गांव पे, घर पूरा खाली हो गया, अकेले रहते हैं हम, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि आप मतलब। मैं खुद ही नहीं आना चाहती अभी। वही तो पूछ रहे संतु जी, क्यों मतलब? मैंने अपने रिलेशन के बारे में बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद इस सोल्यूशन पर आई हूँ कि तू और मैं बहुत अलग है चीते। मतलब ऑब्वियसली एक रिलेशन में प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। जो तू मुझसे करता है जिसपे मुझे 1% भी डाउट नहीं है, लेकिन एक रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मायने रखती है। कंपैटिबिलिटी हो गई, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, रहन सहन हो गया, पसंद नापसंद हो गया, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। समझ रहा है ना? ओके, तो ये समझ ले कि इस रिलेशन के लिए, इस रिश्ते के लिए मैंने बहुत जल्दी हाँ कर दी। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, अपने अपने माइंड को वापस रीसेट करने के लिए। इन शॉर्ट मुझे ना ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए? कहा संतु जी, टीवी सीरियल चल रहा है, कहा कि ब्रेक चाहिए आपको। एक मिनट, अब हमको छोड़ना तो नहीं चाह रही है संतु जी? पागल है क्या? छोड़ थोड़ी रही हूँ तुझे। अपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अभी जो बुआ जी आई थी, उनकी वजह से इतना जो कंफ्यूजन हो गया ना मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग अभी और वक्त मांग रहा है कि थोड़ा सा ना चीजें सेटल हो जाए। तू समझ रहा है? हाँ, हम समझ गए कि बुआ की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो आप मतलब ऐसे समझना चाह रही हैं, वक्त लेना चाह रही हैं अपना। लेकिन आप रहिएगा कहाँ? आपका सरकारी क्वार्टर तो मरम्मत में गया हुआ है, सब कुछ तोड़ फोड़ मचा हुआ है, उधर इधर थाना में आपको अच्छा नहीं लगता है, कहाँ रहिएगा? मैंने सनी से बात कर ली है, वो ठीक ठाक जगह ढूंढ लेगा, और जैसे कंफर्म होगा मैं तुझे बता दूंगी। आ रही थी हाँ। हा? इतना देर से जो अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रही थी, सब वही सिखाया है ना, नारद मुनिया सनिया। आते ही यहाँ पर लैंड होते ही हमारे जिंदगी में भूचाल ला दिया। सनिया, संतु जी क्या कर रही हैं आप? हैं? संतु जी, अब सनिया के लिए तो हमको नहीं छोड़ रही है ना? इसी वजह से मैं तुझसे ब्रेक ले रही हूँ। इतना कचरा भरा हुआ है ना तेरे दिमाग में, एकदम ही घटिया मेंटालिटी। तुझे पता है बुआ से ज्यादा नैरो माइंडेड तू है, चीते। और तुझसे ब्रेकअप करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो बिना बहाने के छोड़ दीजिएगा। संतु जी, संतु, संतु जी, मनन की माँ इतना जल्दी यहाँ पे क्या कर रही है? मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, अरे वो आ गई। कौन? इसकी माँ राधा रानी। वो, अरे पर वो अभी कैसे आ सकती है? वो तो शाम को आने वाली थी ना। वही तो। पुष्पा जी, पुष्पा जी, एक मिनट एक मिनट, आपको पुष्पा जी से मिलना है ना? मुझे अभी पुष्पा जी से मिलना है। बैठो, मैं बुला कर आती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मनन यहाँ पर हमारे साथ है। एक काम करो, तुम यहाँ मनन को संभालो, हम बाहर सिचुएशन संभालते हैं। ठीक है। ओके। नहीं नहीं, एक सेकंड, वो राधा जी आई है। हाँ, उनसे कहो कि हम आ रहे हैं। नहीं नहीं, आपसे नहीं मिलना चाहती है वो, पुष्पा जी से मिलना चाहती है। बाप रे, हमसे? अगर हमसे क्यों मिलना चाहती है? हमने किया ही नहीं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती है पुष्पा जी। पुष्पा जी, अब जो भी जैसा भी है, जाकर जाइए, सिचुएशन संभालिए, हम यहाँ पर हैं। पुष्पा जी, पियो। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? नहीं नहीं, गला सूख गया हमारा, बच्चे का दूध है। चलो चलो, ये लो पियो, दूध पियो, पूरा खत्म करना। हम ही हैं पुष्पा जी, बताइए हमसे क्या काम है? पुष्पा जी भागिए भागिए भागिए, थुरा जाइएगा, थुरा जाइएगा, बहुत गुस्सा में देख रही हैं आपको। क्या हुआ? अब करिश्मा सिंह की सास है ना, वो दुर्घटना हम कैसे भूल सकते हैं? जब से शादी हुई है ना हम, खैर बात क्या है? आपकी बहू मेरा घर तोड़ने पर तुली हुई है। बाप रे बाप, समझाइए पुष्पा जी। अब तक आपकी बहू सिर्फ हाथ और पैर ही तोड़ती थी, अब तो बुलडोजर लेकर सीधा इनके घर पर चढ़ गई है घर तोड़ने के लिए। अरे वैसे घर तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, पता है शादीशुदा होकर अपनी खूबसूरती की माया जाल में मेरे पति को फंसा लिया है उसने। उन दोनों का चक्कर चल रहा है, देखिए इसीलिए मेरा पति मुझे छोड़ रहा है। आप उससे कह दीजिए कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, छोड़ना ही पड़ेगा उसको। क्या है ना, मैं मानती हूँ कि मैंने गलतियाँ की है, और शायद इसी वजह से मेरा पति ये सब कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उसे फंसा लेगी। मैंने कभी उसकी इज्जत नहीं की, कभी उसकी वैल्यू नहीं की। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को करिश्मा सिंह के चंगुल से छुड़ा लीजिए प्लीज। आज तक अपना आप को अपने बहू के चुंगल से नहीं छुड़ा पाई, आपको कैसे छुड़ाएंगी? अगर पुष्पा जी के मुंह से सच निकल गया और राधा को पता चल गया कि करिश्मा सिंह और ललित मिलकर नाटक कर रहे हैं, तो करिश्मा सिंह की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पुष्पा जी प्लीज चुप रहिए, प्लीज कुछ मत बताइए। मम्मी रो रही है, मेरे को मम्मा के पास जाना है। देखो बेटा, अभी नहीं जा सकते तुम, हम जब कहेंगे तब तुम जाना, ठीक है? अभी नहीं। आपने प्रॉमिस किया था ना, अगर मम्मी रोएगी तो आप उनको सच बता दोगी। और पापा भी तो इनोसेंट है ना, उनका किसी से कोई ऑफेंस नहीं है, सब नाटक था। तो आप मम्मा को बता के सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, मैं उन्हें ऐसा रोता नहीं देख सकता। पुष्पा जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हाँ? अरे आपके बेटे का भी तो घर टूट रहा है ना, तो बोलिए ना कुछ तो बोलिए। अगर आप मम्मी को सब सच में बताओगी तो मैं बता दूंगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम यहीं रुको, ठीक है? जब तक हम नहीं कहते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, हम अभी आए। ओके, हमें माफ करना करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसके बाद आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, लेकिन इस वक्त अगर हमने सच नहीं बताया तो ये बच्चा सच बता देगा, और अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों का ही प्लान फेल हो जाएगा। माफ़ कीजिए करिश्मा सिंह, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पुष्पा जी कुछ तो बोलिए, दोनों घरों का सवाल है, कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए, बोलिए पुष्पा जी। रुक जाइए। कुछ नहीं होगा, आपका घर नहीं टूटने वाला है, किसी का घर नहीं टूटने वाला है। इनफैक्ट आपके पति और करिश्मा सिंह का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। हाँ जी हाँ, ये सब नाटक किया था हमने, हाँ, ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आप अपने पति को सही तरीके से ट्रीट करें। हाँ, अच्छा, इतनी हिम्मत? ये सब नाटक था, और आप सब लोग ये बात जानते थे। और पुष्पा जी, हाँ, तभी आप कुछ नहीं बोल रही थी, है ना? मैं भी तो कितनी बड़ी इडियट हूँ, मुझे ये बात क्यों नहीं सूझी। अरे मेरे पति जैसा निठल्ला लल्लू पति, उसमें पता नहीं करिश्मा सिंह ने क्या देख लिया जो इतनी लट्टू हो रही थी। ये बात तो मुझे समझनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, मैं तो यूं ही सेंटी हुए जा रही थी। अब देखना मैं उन दोनों को कैसे मजे सिखाती हूँ। जिंदगी भर उन दोनों को याद रहेगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। मैडम देखिए, एक फोन कर लेने दीजिए, बस इतना पता लग जाए कि वो ठीक तो है, तुरंत फोन काट देंगे। अम्मा कसम, पता नहीं ये सब देखने सुनने के बाद उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। कर लें। हाँ, तुम टोपा हो क्या? नहीं मतलब अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी अच्छाई के कच्चे को कोई तुम्हारे आत्मसम्मान की रस्सी में टंगा दे तो फिर उसका क्या मतलब? सब्र करो भैया, आएगा फोन, करेगी वो। लेकिन मैडम जी कब आएगा फोन? अभी आएगा फोन। कब? अरे मैडम आप फिर शुरू हो गई। अच्छा कीजिए, ऐसा करने से होता तो है। हो गया मैडम जी, राधा रानी। स्पीकर पे करो। हाँ। हेलो राधा रानी, इतनी घटिया हरकत पर उतर आए हो तुम। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इस तरह की नौटंकी करके मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आओ घर आओ तुम, जो बच्ची कुछ इज्जत बची है ना उसकी भी बैंड बजा दूंगी मैं। आओ तुम, बताती हूँ मैं तुम्हें। और वो पुलिस वाली भी तुम्हारे साथ मिली हुई है ना, वही करिश्मा सिंह। तुमने बताया उसे और तुम्हें, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ क्यों, क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? अरे तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता नहीं चलेगा? मैं सब जान गई हूँ। मुझे और किसी ने नहीं, हसीना मलिक ने बताया है। S.H.O. हसीना मलिक, वो मेरे साथ ही है, रखती हूँ। बाय। अरे मैडम सर, कैसे कर सकती हैं आप हमारे साथ ऐसा मैडम सर? और कोई चांस नहीं था करिश्मा सिंह, सॉरी, लेकिन करना पड़ा।